हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनाज किचन। भावनाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम हमारी आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसे शादियों पार्टियों में बनता है और हलवाई बनाते हैं वैसे। यहाँ पे मैंने 4 किलो गाजर ली है और उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पीसी है। थोड़ा बहुत जो भी इसमें मोटे पीस रह गए हैं ना, वो हम पकाते वक्त गला लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मावा 1/2 किलो, ये होममेड मावा है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मैंने यहाँ पर छेना लिया है 400 ग्राम, ये भी मेरा होममेड छेना है। यहाँ पे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, काजू, चिरौंजी और पिस्ता। आपको और कुछ पसंद हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। 4 किलो गाजर में चीनी जाएगी 1 किलो, या फिर आप 4 कप नाप के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है घी 250 ग्राम और लिया है दूध 2 kg, क्योंकि मावा हमारे पास में कम है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे मोटे तले का बर्तन लूंगी, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी का। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। उसके बाद में हम हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं काजू और बादाम, उनको मैं इसमें फ्राई करूंगी। थोड़े थोड़े फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए और ये टेस्टी लगते हैं। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम धीमी आंच के अंदर ही सेकेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से देख सकते हैं आप हो गए हैं, ज्यादा नहीं करने हैं हमने इस टाइम पे। मैं इनको निकाल लूंगी, गैस की फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल धीमी, ताकि बचे हुए जो हैं काजू बादाम हमारे जले नहीं। अब हम इसके अंदर से इस वक्त 2 चम्मच के करीब मैं देसी घी और डालूंगी, 2 बड़े चम्मच इसी के अंदर ही हम डाल देंगे। और हमारी गाजर को हम इसके अंदर डाल देंगे घी में, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। मैंने गाइस गलती से थोड़ा छोटा बर्तन ले लिया था, आप हो सके तो बड़ा ही बर्तन लेना, ये छोटा तो नहीं रहेगा। हाँ, बट इनफ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर को, और ये थोड़ा इसका पानी गाजर का जो है वो छोड़ दे, तो फिर हम इसको दबा करके इसके अंदर हम फिर दूध ऐड करेंगे। देखिए मेरा बर्तन थोड़ा छोटा रह गया, आप बड़े बर्तन में बनाएं। इसको हम ढक करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये जो है गाजर ने भी अपना थोड़ा बहुत पानी छोड़ा है। अभी मैं इसके अंदर इस समय अपना जो दूध हमने लिया था 2 लीटर या 2 kg, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने दूध 2 किलो लिया है, क्योंकि हमारे पास में मावा जो था वो कम था, 1/2 kg मावा था। 4 किलो गाजर में तकरीबन 1 किलो तो हमको मावा चाहिए ही चाहिए, उससे अच्छा बनेगा। ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। मैं स्पैचुला से, वो थोड़ा ज़्यादा जहर हमारी बड़ी पड़ रही थी, तो स्पैचुला से इसको साइड्स को मिक्स करूंगी पूरा गाजर को। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और चेक करेंगे हमारी गाजर गली या नहीं गली। फ्रेंड्स मेरे को 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए ना, तो आप ये देखिए कि गाजर हमारी पहले से
पक चुकी है और इस समय मैं इसके अंदर ऐड करूंगी घी का। 2 बड़े चम्मच हम घी लेंगे और वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा, हलवाई ऐसे ही बनाते हैं और ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं इसमें 1 कप जितना जो है चीनी का डाल रही हूँ, 250 ग्राम के करीब चीनी हमने डाली है। मैं थोड़ी थोड़ी देर में डालूंगी, आपको आगे बताते जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। गैस फ्लेम मैंने फुल ही रख रखा है और इसको बराबर मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि नीचे लगे ना, और ये लगेगा भी नहीं क्योंकि मैंने जो बर्तन लिया है वो थोड़ा मोटा लिया है। हमको इसको रखे हुए का तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध भी इसमें से काफ़ी कम हो गया है और चीनी भी वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चीनी का 1 कप। और ये 1/2 कप और मैंने आधे से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी को हलवे में। ये देखिए, ये जो अभी आपको दिखा होगा थोड़ा सा बड़ा पीस था, कोई दिक्कत नहीं है हलवे के अंदर, ये भी अच्छे से पक गया है और गल जाएगा, सब इसका अच्छे से मैश हो जाएगा। अभी हम हमारा इसमें 2 चम्मच के करीब घी और ऐड करेंगे। गाइस, ये सच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार होएगा। अभी हम इस वक्त इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें हमारी बची हुई जो भी चीनी थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। दूध हमारा तकरीबन सारा जो है वो कड़ चुका है और ये जो है चीनी की चाशनी जो है पिंगली थी उसका पानी रह गया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ये है जायफल पाउडर, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आप चाहें तो इसको डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हलवाई ये जरूर डालते हैं, बहुत से स्किप भी कर देते हैं। आपको अगर पसंद हो तो जरूर डालना इसका टेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला है। अब हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे और अब इस वक्त इसके अंदर मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा करके रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी, थोड़ा सा ही रखूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको पसंद ना हो, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी मावा। फ्रेंड्स, ये मावा मैंने घर पे ही बनाया था और सच्ची में ये बहुत ही टेस्टी और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, एकदम प्योर मावा है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप ये मावा भी ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत ही टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मावे को कद्दूकस करके ही मैंने इसमें डाला है, फिर भी थोड़े बहुत जो पीस मोटे रह जाते हैं ना उसको हम स्पैचुला की हेल्प से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छेना। हल बाजार में अपन देखते हैं ना दानेदार होता है, वो इस छेने की वजह से ही होता है। और ये छेना हलवे को और ज़्यादा टेस्टफुल बना देता है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आप विश्वास कीजिए बहुत ही शानदार हलवा बन करके हमारा रेडी होएगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसका जो ये पानी थोड़ा बचा हुआ है ना, ये सारा इसका उड़ा देंगे। तकरीबन हमको ये हलवा बनाने में टाइम तो जरूर लगा है, मेरे को यहाँ पे इसको 45 मिनट के करीब हो गए हैं बनाते हुए, लेकिन हलवा जब बन जाएगा ना तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए पानी भी इसका तकरीबन, देखिए सारा उड़ चुका है। और हलवे में मावा और पनीर भी जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देखिए ये दानेदार दिख रहा है ना, ये देखिए अब हमारा हलवा बनके तैयार है। मेरा वीडियो बंद हो गया था और प्ले नहीं हुआ था, मैंने ये हलवा डिश में निकाल लिया है और ऊपर से थोड़ा बचा हुआ मावा और छीना जो है उस पे सर्व कर दिया है। और ऊपर से हम कर देंगे हमारे गार्निश, जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे। हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार हुआ है। और आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।